बेटा अब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो एनडीए में पूछे गए हैं। तो पहले सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी फॉर्मूले। तो एनडीए में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं आपके, ठीक है। फॉर एग्जांपल सी, ठीक है, एक क्वेश्चन आया है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स भी करेंगे, ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। ओके, सो क्वेश्चन आया है, tan 54 कैन बी एक्सप्रेस्ड, फोर ऑप्शंस आर गिवन टू यू, ठीक है। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, sin 9 प्लस cos 9 अपॉन sin 9 माइनस cos 9, sin 9 माइनस cos 9 अपॉन sin 9 प्लस cos 9, सी cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9, एंड डी sin 36 अपॉन cos 36, ठीक है। आई थिंक बच्चों के पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट राइट ऑप्शंस, ठीक है, सॉल्व इट डायरेक्टली। सो वी हैव टू सॉल्व इट tan 54। अब कहीं ना कहीं ये हिंट मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं एंगल 9 आ रहा है, तो मैं अगर tan 54, अगर मैं 54 को मैं ब्रेक करूँ 9 अलग करूँ तो 45 अलग हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, tan 45 प्लस 9 ना, सो विच फॉर्मूला आई हैव टू यूज, tan a प्लस b, एंड tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो tan 45 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 9, tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो दिस विल बी 1 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 9, साइन कॉज में चेंज कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। टेन नाइन विल बी साइन अपॉन कॉज, इफ यू विल टेक कॉज एलसीएम इन द न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, कॉज 9 प्लस टेन 9 विल कम इन द न्यूमरेटर अपॉन कॉज 9 विल बी द एलसीएम, वो कैंसिल जाएगा बेटा, यहाँ पर भी सेम एलसीएम विल कम, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूँ, कॉज 9 मेन डिविजन, हेयर वट विल कम, कॉज 9 माइनस, अच्छा हेयर साइन विल कम बेटा, ठीक है, क्योंकि टेन इज साइन अपॉन कॉज अपॉन साइन 9 अपॉन cos 9, this cos 9 cos 9 will cancel, so cos 9 plus sin 9 upon cos 9 minus sin 9, C is the right answer, ठीक है। तो आप लेवल देखिए क्वेश्चंस का, कितने इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। आई विल नॉट राइट ऑप्शंस, ठीक है, यू विल गेट ऑप्शंस फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। अच्छा, सारे सिंपल सवाल कर लेते हैं। व्हाट इज गिवन टू यू, क्वेश्चन इज इफ sin अल्फा प्लस cos alpha is equal to p, then you have to find cos square 2 alpha की value you have to find, ठीक है। अच्छा, options इसमें छोटे हैं तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ, p square, b option is p square minus 1, c option is p square in bracket 2 minus p square, and d option is p square plus 1, okay? So कहीं ना कहीं options में square है और यहाँ पर मेरे पास p की power 1 है, so I have to do squaring both the sides, साफ दिख रहा है। When I will do squaring both the sides, सोल्यूशन में क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, हाँ, सो फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बेटा ये सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, ओके। तो ये उन बच्चों के लिए जो अभी वीक है मैथ्स में, बेसिकली इज इक्वल टू पी स्क्वायर, आप लोगों को एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, सो दिस विल बी 1 प्लस, अच्छा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज साइन 2 अल्फा, सो दिस विल बी साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, सो अगेन इफ आई राइट इट इन अ फॉर्मूला फॉर्म दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा विल बी ऑल्सो इज इक्वल टू 1, सो फ्रॉम हियर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा आई विल गेट 1 माइनस साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर, साइन 2 अल्फा की वैल्यू वी हैव पी स्क्वायर माइनस 1, सो इट विल बी 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इफ यू सॉल्व इट 1 माइनस, दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर
that will be p to the power 4 plus b square minus 2p square. If you will open it, 1 minus p to the power 4 minus 1 plus 2p square, 1 and 1 will get cancelled. So what it will come, 2p square minus p to the power 4. If you will take p square common, so what will come, 2 minus p square. P square you have taken common, 2 minus p square. Answer C. C is the answer. Okay? C the level. Okay. Let's move on to next question. So C is the right answer. ये सारे इजी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, सारे इजी हैं वैसे मेजॉरिटी, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं एंड यू नो दैट यू डोंट हैव टू डू मास्टरी आल्सो ना, आपको कौन सा फुल आउट ऑफ फुल लाने है. अच्छा क्वेश्चन इज, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कर लेता हूँ फिर मैं ITF के करूँगा. ठीक है, ITF के भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है. टेन थीटा इज गिवन टू यू, 1/2, और ये लास्ट ईयर भी ये बहुत बार पूछा गया ये सवाल, 10 phi इज इक्वल टू 1/3. आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड थीटा प्लस फाइव. अरे तो अगर आपको निकालना है तो बहुत इजी बेटा, आप 10 थीटा प्लस फाइव करो. तो ये 10a + b फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा था 10a + सो 10 थीटा + 10 phi अपॉन 1 माइनस 10 थीटा 10 phi. यू हैव टू पुट वैल्यूज ऑफ 10 थीटा एंड 10 phi. सो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 × 1/3. अच्छा ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर LCM विल बी 6, सो दिस विल कम 5/6 इन द न्यूमरेटर. नीचे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/6, सो अगेन यहाँ पर भी कितना आ गया, 5/6. सॉल्व करोगे 1, इसका मतलब tan थीटा प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1. 1 को यू कैन राइट 10 45, 10 45 इज 1 ना, सो इट्स 10 π/4. ओके 10 π/4, सो थीटा नाउ यू कैन कंपेयर, थीटा प्लस 5 विल बी इक्वल टू π/4. ठीक है, सो π/4 इज ऑप्शन गिवन. तो आपको 10 थीटा दिया था, ऑप्शंस ऐसे दिए हैं आपको, ऑप्शन दिए 0, π/6, π/4 या π/2. सो π/4 इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ. ओके अगला कर लेते हैं. अच्छा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 75, अच्छा tan 75 प्लस cot 75. अच्छा यू शुड नो दिस फॉर्मूला बेटा फर्स्ट ना, अगर tan थीटा प्लस cot थीटा हो, इसको एक बार साइन एंड cos में चेंज करो, हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा विल बी इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, LCM will come sin theta cos theta. LCM will come sin theta cos theta. तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा sin square theta plus cos square theta. ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/ sin theta cos theta. अच्छा नीचे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2, ऊपर भी. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यह आ जाएगा 2/2 sin theta cos theta. और 2 sin theta cos theta is 2/sin 2θ. ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो. सो tan थीटा प्लस cot थीटा इज नथिंग बट 2/sin 2θ. ठीक है, दिस यू कैन रिमेंबर इट. ठीक है, इसको आप एज इट इज याद कर सकते हो. अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा. सो थीटा इज हियर 75. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सीधा वैल्यू रखूँ तो दिस विल बी 2/sin हाउ मच, 2 × 75 विल बी 150. ठीक है, और साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालोगे. ठीक है, दिस यू कैन डू लाइक दिस, 2/sin 90+60. वैसे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी. अच्छा 90+θ देर इज अ चेंज, सो 2/sin 90+θ मीन्स इट विल कम इन टू द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. सो इट विल कम एंड देर इज अ चेंज, इट विल कम cos 60. एंड वट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, द वैल्यू इज 1/2. सो 1/2 विल गो अप एंड द आंसर विल कम 4. ठीक है, तो ऑप्शंस आपको ऐसे दिए, ऑप्शंस क्या दिए, ऑप्शंस दिए आपको 2, 4, 2√3 एंड 4√3. आंसर इज 4 इज द राइट आंसर. बेटा ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना,
इस साइन 150 को ब्रेक कर रहा हूँ ना, ये सारा बिगनर बच्चों के लिए है, ये सारा बेसिक लेवल है। जब आप प्रैक्टिस करोगे अगेन एंड अगेन सीधा साइन 50 की वैल्यू यू विल राइट बेटा 1/2, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली साइन 50 की वैल्यू आनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने इतना रिवाइज करना है या इतना प्रैक्टिस करना है कि वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सारे इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे आपको दे रहा है कॉस 46 इंटू कॉस 47 इंटू कॉस 48 से लेकर कॉस 135 दे रखा है, सबको सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू थिंक दैट इन बिटवीन कॉस 90 विल कम बेटा, कहीं ना कहीं बीच में कॉस 90 आएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90? जीरो। तो कहीं पर भी इंटरमीडिएट अगर जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो द आंसर द फाइनल आंसर विल बी जीरो, ठीक है। सो जीरो इज द राइट आंसर। ऑप्शन देते हैं माइनस वन, जीरो, वन एंड ग्रेटर देन वन, सो द राइट आंसर इज जीरो। सी द लेवल, ठीक है, इतने ईजी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए। ओके, उसके अलावा सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बेटा, इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इट। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।